हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम अर्तुरुल गाजी का 11वां एपिसोड करने वाले हैं, तो देखते हैं। खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से वापस लौट आए, उसने मेरी दुआएं सुन ली। अरे कबीले के नाम निशान मिटा दूंगा मैं। अभी बताता हूँ तुझे शैतानी क्यों ना। हटो, क्या कर रहे हो तुम? कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हो? सरदार खुद ही इसे अंजाम तक पहुंचा देंगे। सुलेमान, आपकी तबीयत ठीक नहीं, अक्का कुछ को बुलवा लेती है, मायना कर लेगा आपका। फिक्र मत करो, मैं बस थक गया हूँ। गुर्दोंगलू का किया धरा है, तकिए रख ले, आराम करें आप। शुक्रिया। तुम घबराओ मत आयो, मैं कुछ देर आराम कर लूं, फिर इस बारे में पूछूंगा गुर्दोंगलू से। मुझे अंदाजा है तुम्हारी परेशानी का, ये फिर चालू हो गई। लेकिन तुम ठीक हो जाओगे, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन मुझे उन लोगों की फिक्र। मेरी वजह से हमारे कितने सिपाहियों की जान चली गई, और कारम डरकर अपने साथ ले लिया मुझे एक खबर लगा, और पापा को भी उसने जिंदान में डाल दिया। सिर्फ मुझे बचाने की खातिर ये जिद्दत सहनी पड़ी पापा को, और जिस अर्तुरुल की वजह से सब कुछ हुआ उसी के सत्तर वीता बन गए। तुम खैरियत से आ गए और कहा तो इधर अंजाम को पहुंच गया, अब क्या मसला है? तुम्हारा तो कोई भी ताल्लुक नहीं है इस पूरे मामले से, तो फिर तुम्हें अफसोस किस बात का है? ओके भाई, खुशामदीद अर्तुरुल साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। एक बार फिर मुझे मकरूज कर दिया आपने। बाबा और यगत को बाहिफाजत अपने साथ वापस लेकर आ गए, अल्लाह का खास करम हो आप पर। उस रब का जितना भी शुक्र अदा करूंगा, मुझे खबर मिल चुकी है जो कुछ मेरे जाने के बाद आपके साथ हुआ। परेशान ना हुआ, सजा से कोई नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है आपसे, और जो तकलीफ आपको पहुंची उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। आप तो यहाँ मौजूद नहीं थे, मगर आपकी बहादुर वालिदा हाइमा खानम ने सबको खामोश करा दिया और मुझे अपने खैमे में ले गए।
आपकी सजा तजवीज करेंगी वही भी खैरियत से वापस आकर। मुझे गलत रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी गुजारिश है कि आप उन सबको माफ कर दीजिए। तो उनका कसूर नहीं है, उनके प्यारे मारे गए हमारी वजह से। बहुत रहमदिल हैं आप, इतना सब कुछ होने के बाद भी माफी का सोच नहीं। दुनिया में हमारा हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। उन लोगों में अच्छे लोगों से भी टकराव होता है और बुरों से भी। बाबा बता रहे थे कि आप सलजुक रियासत की सरहद तक हमारे। सलजुक जाने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो आपको यकीन पसंद आएगा। कौन तो तुम? तुम्हें किस बात की शर्मिंदगी है? इस सारे मामले में कसूरवार सिर्फ अतुल है। तुम्हें मेरी बेबसी का अंदाजा नहीं खातो। अपने ही लोगों की नजरों में गिर चुका हूँ मैं। वो गिल्ट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, जानते हैं सब लोग सच्चाई। पहाड़ के वजूद को हवा कभी भी उड़ा नहीं सकती। अपने आप को कमतर मत समझो, कोई कसूर नहीं तुम्हारा। बाबा दस्तरखान पे इंतजार कर रहे हैं। हरदगर ने खोल दी अपनी जबान, देखा जाएगा जो भी होगा। पीछे हटना मुमकिन नहीं, तीर कमान से निकल चुका है हरदगर को। जनाब कारा तो अगर तो अंजाम तक पहुंच जाएगा, मगर सुलेमान शाह की गैर मौजूदगी में हमने जो कुछ भी किया है, अगर उसके बारे में सुलेमान शाह को पता चल गया तो मेरी गर्दन पकड़ी जाएगी, वो मुझे जान से मार देगा। बैबरा ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम्हें अगर इतना ही डर है तो हमारे साथ क्यों शामिल हुए? अब सामना करना होगा हर मुसीबत का। अब क्या करना होगा मुझे? कुछ दिन के लिए गायब होना है तुम्हें, हालात बेहतर होने पर वक्त। तुम्हें एक काम करना है, हम जो असबाब सरदारी हिफाजत के पेश नजर सुलेमान शाह के खेमे से लेकर आए थे उन्हें वापस सुलेमान शाह के खेमे में रखना है। माफी चाहता हूं देर से आने की। रोक्षे आ जाओ बेटा, तुम भी बैठो। मेहमानों के यहां से जाने के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहूंगा आपसे मामा। कहां जाएंगे ये नहीं मालूम, सोचा है हलब जाते हुए उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ दूं, लेकिन आपकी इजाजत दरकार है। जर्गे से पहले मैं इस पर कोई फैसला नहीं कर सकता। शक्ल देखो, आ गई सब चीजें जगह पे वापस। ठीक हो गया,
तुम्हारे सरदार ने अपनी जगह रख दी है। क्या हो रहा है? कुर्तोगलू असबाब सरदारी वापस लेकर आए हैं और वो आपसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। उसे कहो खुश हो रही है, अब तो गया। बैंड बजी पड़ी है बस। हाँ बस इसको सजा देते हुए मजा आ जाएगा। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? अली बाबा जी के खेमे पर पत्थर मारने से पहले सोचना चाहिए था जी। उसको तो इसने भगा दिया ना। और दुश्मन इतना चालाक और जालिम है। और तुम बेवकूफ हो। क्या ये सब काफी नहीं था जो एक कत्ता भी हमारे कबीले में फारिग हो गया? कौन है वो कत्ता? यही तो नहीं पता। अगर पता होता तो अपने हाथों से उसका गला दबा देता। सामने ही, तेरे सामने ही, सामने ही है। मैं बोला था ना उसको पता नहीं देगा। शहजादा है और जिससे तुम नफरत करती हो वो शहजादी है। बैंड इसी वजह से हमारे कबीले पर मुसीबत है टूट रही। अतुल ने जो मुसीबत हम पर मुसलत की उसका अंजाम बहुत भयानक है। तुम्हें
ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे या फिर उन्हें यहाँ से निकाल बाहर करने का बंदोबस्त करोगे? क्या तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए? अर्तुरुल ने ही बचाया है शहजादी को, मगर को मगर अगर मगर कुछ नहीं, बहुत हो गया, चलो जाओ यहाँ से। निकाल जल गई एकदम से। मैंने बोला था जब उसको पता चला तो और गंड हो जाएगी। गुपची गुपची अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब और मार तू भी ताना। मस्त है। उनके लिए ओहो बड़ा मजा आ रहा है। चलन बहुत वक्त लगा इसे सुधारने में और बहुत मुश्किल भी पेश आए, भाग जाती थी बार बार मगर कुछ अरसे के बाद मानूस हो गई मुझसे, एतमाद हो गया मुझ पर, प्यार करने लगी मुझसे और मुझे भी आदत हो गई है अब इसके साथ रहने की। अब ये तुम्हारी है, तुम्हारी सवारी बनकर रहेगी तुम्हारे साथ, इसे सुल्ताना पुकारता हूँ, रहेगी तुम्हारा। पहले सोचना चाहिए था। बुरा भी लगता है। हाँ। लेकिन क्या करें। शुक्रिया तुम्हारा।
सुल्ताना का बहुत ख्याल रखूंगी मैं। जब तक जिंदा हूँ ये मेरे साथ ही रहेगी इंशाल्लाह। माफी चाहता हूँ भाई, वो आदमी मिल गया है जिसने लोगों को उकसाया था। कौन है वो? भाई बोरा। तक वेट कर रहा है, कर 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 वेट। चमाट मार दो। उम्मीद है तुम्हें इंतजार की सहमत नहीं हुई होगी। मैं जानता हूँ तुम्हें इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? अगर जरूरत पड़ी तो मेरी जान भी हाजिर है। अरे रे, आपका साया कायम रहे, अल्लाह आपको सेहत अता करे। खबर दो मुझे, क्या हुआ मेरे पीछे, क्या चल रहा है कबीले में? अच्छी खबरें नहीं सुना? और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि हायमा खानम आ गई, इन्होंने आकर सबको खामोश करवा दिया। हायमा ने आकर सबको खामोश करवा दिया, और तुम कहाँ थे उस वक्त? मैंने सबसे पहले कबीले के मौजूदीन को बुलाया, उनको समझाया। वो बहुत मुश्तैद थे, बड़ी मुश्किल से उनके जज्बात ठंडे किए मैंने। जो कुछ भी मेरे बस में था मैंने किया। अब तमाम नतीजे आपके सामने मेरे सरदार। और मुझे वो मैं हिफाजत के पेश नजर अपने खेमे में ले गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस बार सरदारी को कोई नुकसान पहुंचे। हाँ हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। मगर कोई जासूस मौजूद है कबीले में? मेरा भी यही मतलब है, किसी एक आदमी ने हमजा को देखा होगा, और जब अक्का को जा हमजा की मरहम पट्टी करने गया तो उसी आदमी ने लोगों को भड़काया। चाणा है बहुत। मगर ये पहली दफा नहीं हुआ कुर्दोगलो, उनके हमले में जरूर किसी जासूस ने मदद की खबरें पहुंचाता है। अगर वहां अर्तुगरुल हमारे साथ मौजूद ना होता तो सब कुछ खत्म हो जाता, कुछ भी ना बचता। अगर कोई जासूस मौजूद है तो मैं उसे तलाश करके अपने हाथों से उसकी जान लूंगा। खुद को ही मार दे। मेरे लिए कोई और हुक्म है सरदार? हमें अब जिरगे में तारा तो इधर का फैसला करना है। मैं चाहता हूं कि उसे सुल्तान के सामने पेश करके सजा दिलवाई जाए। तुम्हें इस पूरे मामले में मेरा साथ देना है, कबीले वालों को मुतमईन करना है। अरे कुछ करो। समझती है ये, वो कुर्दुगलो भाई है ना, तो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं उस पे। एक तो ये, अरे रे, तुम यहाँ मेरे खाने में क्या कर रही हो? पहले क्या मुश्किलात कम है जो और मुश्किलात पैदा कर रही हो? बराबर के शरीक है, या तो हम इसमें कामयाब हो जाएंगे या नाकाम। जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूं उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या तुम्हें मालूम है इन कैदियों के बारे में जो हमारे कबीले में मेहमान बने बैठे? ठीक है कुंदोगुरु साहब, कुंदोगुरु को बता दूंगी क्या पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ओहो, खैरियत अर्तुगरुल? मुझे क्या पता अर्तुगरुल, लेकिन मैं जल्द उसका पता लगा लूंगा। सहमत न करें आप, मैं ढूंढ लूंगा।
एंगर एग्रेशन करी तो रही है। बस आंसू ही बहुत ही रहना तुम यहाँ बैठकर। अर्तुल को सब मालूम हो गया। भाई गोरा के बारे में। उसकी ज़बान खोलने से पहले हमेशा के लिए बंद कर दो। शांति की जरूरत है दिमाग तो ये ना सबसे मिला जुला हुआ है बहुत हर जगह कनेक्शन है। हाँ पहचानते हैं उसके बाबा और भाई बहुत अहम है उसके लिए तो उसमें रहने वाले ही होते हाँ तुम
तुम्हारी मोहब्बत के साथ हो। अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे साथ नहीं है तो सब कुछ बेकार है। जाओ अपने दिल की बात कह दो उसे, तुम्हें सुकून आ जाएगा। शहीदों से चला जाएगा। लोग इधर ही है। अच्छा ये इससे मिलने आया। आखिर क्या चाहते तुम उससे? ओ मैं चाहता हूँ कि तुम काय कबीले को हमारी सरहद से दूर रखो, क्योंकि मुझे करातोईकर ने बताया है कि तुम काफी अकलमंद आदमी हो और ये भी कि तुम काफी शातिर दिमाग रखते हो। इस काय कबीले और तुम्हारे मुस्तकबिल का इन्हेसार सिर्फ और सिर्फ करातोईकर पर है। वो ही शख्स है जो तुम्हें काई कबीले का सरदार बना सकता है। उसके बाद तुम जहां चाहो जा सकते हो और तुम उसी सूरत बन सकते हो अगर तुम सरदार बन जाओ। कारा तो इधर को कबीले से निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम अपनी ताकत के बलबूते पर उसे निकाल सकते हो कबीले से। मुझे क्यों लेकर आया अल्परगु? अर्तुरुल जान चुका है तुम्हारे बारे में। कैसे? ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अल्लाह भारत करे तुम्हें, तुम्हारे और कुर्तोगलू की वजह से ही सारी बुराई मुझ पर आ गई है। अब कैसे बचूंगा मैं? जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल कर कहीं और चले जाओ तुम। कहाँ जाऊंगा मैं? हाँ बताओ मुझे, बच्चों का क्या होगा मेरे? उन्हें अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊंगा मैं? अभी आ जाएगी बच्चों की। लौट आना। तुम क्या समझते हो ये मामले इतनी आसानी से सुलझ जाएगा? हैं? कितना नुकसान किया है हमने उनका। काफिले पर हमले में हमारे सिपाही भी मारे गए। तुम्हें लगता है कि सुलेमान शाह इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाएगा? बंद करो भाई बोरा। अब मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अब दोनों का सारा बनेगा कबीले से निकाल दिया जाएगा उन्हें। छोड़ो मुझे। तुम परेशान मत होना। इसको भी सब एक से क्या? कर ले अपनी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे ये शहीद हमारी दुआओं के मुंतजर रहेंगे। क्या आप उनके लिए दुआ करेंगे? अल्लाह इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। रोज़े महशर इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। इनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठाइए। अल फातिहा। ये कबीले का बुरा नहीं चाहता, है थोड़ा है इशू है, बट कबीले के लिए कभी बुरा नहीं। वो थोड़ा भाई और वो एक आ जाता ना भाइयों भाइयों के बीच में थोड़ा थोड़ा। अरे रे भाई कितने लफड़े हैं अंदर, कितने लोग बोलते ना। मेरे को तो लगा वो उनको तो ना मस्त सजा दे देनी चाहिए थी। हाइमा खान भाई है ना, उनके तो ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट। मतलब भाई है मेरा तो मेरे साथ रहेगा। नहीं ना ऐसे भाई, बट वही वही सब वो अपने को समझ रहा है, उनको नहीं पता। तुम देख रहे इधर से, इसके लिए अपने को सब पता है। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। मैं वेट कर रही थी कि जब वो बोले ना भाई, ओए उसको जैसे ही मालूम पड़ा शहजादी है, शक्ल देखने लायक थी बाबा। इट्स लाइक क्या है ये, बुरों के साथ बुरा ही होता है हमेशा। बट अभी वो जासूस के बारे में बात की तभी भी वो हावली बावली हो गया, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि उन्होंने कुर्दोगलों को बोला, फिर उसने जाके आगे अपना बोलते ना अभी। लेकिन उस सलेबी लोग भी इससे मिल गए, अभी डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया सलेबियों के साथ। उसने बोला कि तुम अपने जोर पर छुड़वा सकते हो। अब ये क्या प्लान करवा रहा है क्या पता, और कितने लोगों की जाने गवाएगा। एक तो जनाजे भी आए उनके शहीदों के, बट बीच में अच्छा मोमेंट था अर्तुरुल और हलीमा के बीच। एकदम अच्छा नई घड़ी दे दी उनको, बहुत प्यारी दिख रही थी वहाँ पे। वही देख के गोपची जल गई थोड़ा, और लेकिन समझ जाना चाहिए अभी नहीं है प्यार, जबरदस्ती शादी करके क्या फायदा। नहीं बट वो बहुत प्यार करती है, बट हो जाता है अभी, क्या करें अभी। वो प्यार नहीं करते, जबरदस्ती करके प्यार होता नहीं ना। ठीक है, चलो अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होगा जी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय बाय।